तो अपनी सेकंड वीडियो जो हाइड्रोजन के लिए है, इसमें हम देखने वाले हैं अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज द आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, छोटी वीडियो बनेगी एंड इन द नेक्स्ट वीडियो क्विकली यू आर गोइंग टू गेट द प्रिपरेशन, दैट वुड बी द थर्ड वीडियो. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद द अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन. अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम पूरे एनर्जी पूरे यूनिवर्स को देखें तो पूरे यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो वो है हाइड्रोजन. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज हाइड्रोजन. दूसरा, हमारे जो सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं उसमें जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर एंड सैटर्न, यहां मोस्ट ऑफ द पार्ट इनका हाइड्रोजन का बना होता है. मोस्ट ऑफ द पार्ट इनका हाइड्रोजन का बना होता है. और अपनी अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करें, अपने अर्थ के एनवायरमेंट में बात करें, तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन. तो ये अकरेंस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. अब बात कर रहे हैं आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में. तो आइसोटॉप का मीनिंग आपको मालूम ही है, सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये इसकी जनरल डेफिनेशन है. आइसोटॉप एलिमेंट सेम होगा. अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करता हूं तो हाइड्रोजन के पास थ्री डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म्स मिलती हैं. एक को हम बोलते हैं H11, एक है आपके पास H12 एंड थर्ड वन इज H13. इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम बोलते हैं. ठीक है, कुछ लोग प्रोटियम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को 1, 2 ऐसा करके रिप्रेजेंट करते हैं और ट्राइटियम को T लिखकर ये रिप्रेजेंट किया जाता है. इसमें से जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव नेचर का है. ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव नेचर. अगर हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, यानी कितने समय में ये अपनी वैल्यू का खुद आधा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, तो आप इस वैल्यू को याद रख सकते हैं 12.33 ईयर. यानी जितना भी ट्राइटियम आपके पास होगा उसमें से आधा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 12.33 ईयर में आधा डिसइंटीग्रेट या डिके हो जाएगा. अगर रिलेटिव अबंडेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको प्रोटियम मिलने वाला है. वैल्यू अगर याद रख सके तो 99.985% आपको ये प्रोटियम मिलेगा. ड्यूटेरियम की बात करें रिलेटिव तो 0.0165% आपको ड्यूटेरियम मिलता है. ट्राइटियम के बारे में बात करें तो ट्राइटियम 10^-15% इसकी अबंडेंस मिलेगी. ट्राइटियम में एक और इन्फॉर्मेशन आप समझ सकते हैं, रेडियो एक्टिव क्योंकि ये नेचर का है, तो रेडियो एक्टिव नेचर की होने की वजह से इट एमिट लो एनर्जी बीटा पार्टिकल. ये लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है और इसके थ्रू ये अपनी रेडियो एक्टिव नेचर को शो करता है. अगर इन तीनों के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑल दीज थ्री आर हैविंग ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी.
सेम केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इनके पास, लेकिन इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, दैट कैन बी डिफरेंट, वो अलग हो सकता है। वो अलग क्यों होगा? क्योंकि इनके पास जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम बहुत ही स्पेसिफाई करें कि रेट ऑफ रिएक्शन एग्जैक्टली क्यों डिफरेंट होता है, तो उसका मैं रीजन आपको बता दे रहा हूं। एक होता है एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, ये टर्म आप याद रखें कि इनका डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में स्पीड डिफरेंट क्यों होता है इन तीनों आइसोटॉप का, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन में मिलने वाला बॉन्ड डिसोसिएशन का वैल्यू अलग है, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम में मिलने वाला बॉन्ड डिसोसिएशन का एनर्जी अलग है, और ट्राइटियम ट्राइटियम में मिलने वाला बॉन्ड डिसोसिएशन का एनर्जी अलग है। इसलिए इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन में बिहेवियर है, दैट विल बी ऑलमोस्ट सेम, बट ड्यू टू एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इनका डिफरेंट है, इनका दे आर हैविंग डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, इसीलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट रहता है। और अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी का मेन रीजन यही है कि दे आर हैविंग डिफरेंट मासेस, तो डिफरेंट मास होने की वजह से दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, और केमिकल प्रॉपर्टी में रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट। कीप लर्निंग दिस।